नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरजी न्यूज। कोयली गांव के किसानों के पास से सरकार की ओर से उनकी जमीनें ले ली गई थी और फिर उन्हें नौकरी या मुआवजा देने की बात बताई गई थी, लेकिन अभी तक इन किसानों को नौकरी या मुआवजा जमीनों के बदले नहीं मिला है, जिसके चलते ये किसान गुजरात रिफाइनरी के बाहर हड़ताल पर उतरे हैं। 7 साल पहले गुजरात सरकार की ओर से गुजरात रिफाइनरी के आविष्कार के लिए विशाल जमीन की जरूरत के चलते कोयली गांव के किसानों की जमीन ली थी। वैसे इस जमीन के सामने किसानों को नौकरी या फिर मुआवजा देने की बात रखी गई थी, लेकिन इतने सालों बाद भी किसानों को ना तो नौकरी मिली है और ना ही मुआवजा, जिसके चलते आज इस मामले को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए कोयली गांव में मौजूद गुजरात रिफाइनरी के बाहर किसानों की ओर से आंदोलन शुरू किया गया है और आने वाले वक्त में इस आंदोलन को और भी उग्र बनाने की बात किसानों की ओर से बताई जा रही है। आज रोज लैंड यूजर कमेटी द्वारा तारीख 5/9/2022 थी धरना पर बैठेला छे और खूब दुखद की बात यह है कि लोकशाही नी अंदर जो आज परमिशन ना मरती होय अने अमे तो अमारा जमीनों गुमाई छे, अमारा खेडूत पुत्रों जमीनों गुमाए ए बदल अमे नौकरी मांगीए छे, कई अमारा हकनी ज वस्तु मांगी रह्या छे, कई अमे बीजू कई वस्तु मांगी नहीं, जमीन सामे नौकरी जोईए छे, बीजू कई मांगणी करता नथी। आज दिन सुधी कोई सत्ताधीशो ने के कोई रिफाइनरीना कर्मचारीओनी ऊंघ उड़ती नथी। 5/9/2022 थी आंदोलन पर बैठेला छे, आज 7 दिवस सुधी अमारी लैंड लूजर कमिटीनी कोई सार संभार के खंभार लेवा भी आया नथी अने ना छूटके अमारे गांधी चिंता मार्गे बैठेला छे। हवे पछी आवनार गुरुवार ना दिवसे अमे कलेक्टर श्री वडोदरा ने आवेदन पत्र आपवा जवाना छे कि अमने शा माटे परमिशन आपवामां नथी आई, अमारे तो जमीन गुमावेली छे, एनी सामे नौकरी जोईए छे। जय हिंद, जय भारत।